नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र में अब तक जिनके वैक्सीनेशन नहीं हुए हैं उन्हें निगम भिलाई द्वारा बनाई गई ट्रेसिंग टीम द्वारा फोन कॉल के माध्यम से वैक्सीनेशन पूर्ण कराने के लिए जागरूक करने के साथ अन्य किसी सहायता के लिए पूछा जा रहा है एवं उचित मार्गदर्शन भी दिया जा रहा है। नगर पालिक निगम भिलाई द्वारा अपने क्षेत्र में 100% वैक्सीनेशन के लक्ष्य को जल्द से जल्द प्राप्त करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में अब ट्रेसिंग टीम का गठन किया गया है, जो टीम निगम सभागार में बैठकर दुर्ग जिला स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मिले नाम और नंबरों की लिस्ट पर कॉल के माध्यम से जानकारी जुटा रही है कि अब तक कितने लोगों का वैक्सीनेशन पूर्ण हो चुका है और कितने बाकी हैं। जिनके बाकी हैं उन्हें वैक्सीनेशन पूर्ण कराने जागरूक किया जा रहा है एवं जिनके वैक्सीनेशन पूर्ण हो चुके हैं उन्हें सर्टिफिकेट न प्राप्त होना या होने वाले अन्य किसी परेशानियों की जानकारी लेकर उनका निदान भी कर रहे हैं और जिनके वैक्सीनेशन पूर्ण हो चुके हैं और जिन्हें सर्टिफिकेट प्राप्त हो चुका है उनका धन्यवाद भी कर रहे हैं। सर, मैं नगर निगम भिलाई से बोल रही हूँ। आपको सर वैक्सीन का दोनों डोज लग चुका है? सर आप कहाँ से हो? कुर्सी पार से है ना सर। तो सर आपको सेकेंड डोज का टाइम हो चुका है, आप वैक्सीनेशन टाइम पे लीजिए। हाँ नहीं सर, अब सभी दवाइयाँ उपलब्ध है, आप लापरवाही मत कीजिए, आप टाइम पे जाइए वहाँ लगवा लीजिए। कुर्सी पार में अंडा चौक में, अंडा चौक में है सर वहाँ पे सेंटर। सेकंड डोज लगा लिए हैं, आपको सर्टिफिकेट मिल गया है। चलिए ओके, थैंक यू सर। ट्रेसिंग टीम द्वारा किए जा रहे कार्यों की जानकारी नगर पालिक निगम भिलाई के जनसंपर्क अधिकारी पीसी सारवा ने ग्रैंड एशियन न्यूज टीम को उपलब्ध कराई। देखिए, कोविड कंट्रोल को लेकर एक बड़ा मुहिम जो है वो नगर निगम भिलाई कर रही है। जो वैक्सीनेटेड हो चुके हैं और उनको सर्टिफिकेट प्राप्त नहीं हुआ है, ऐसे लोग को भी हम जो है कांटेक्ट करके उनसे सर्टिफिकेट मिला है या नहीं मिला है उनको, क्योंकि फर्स्ट डोज लगाने के बाद में उनको जो सेकंड डोज लगाने के बाद में भी जो सर्टिफिकेट इशू नहीं हुआ होगा या कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम से नहीं हुआ होगा तो वो दिखा नहीं रहा है। उसके चलते क्या बूस्टर डोज वाले भी जो होंगे वो प्रभावित होते हैं, जिसको लेकर के हमारे यहाँ से जो कयावत की जा रही है और लगातार वैक्सीनेट करने के लिए उनको कॉन्टैक्ट के माध्यम से प्रेरित करने का काम जो है वो निगम शुरू कर चुका है। और जो वैक्सीनेटेड होने के बाद में जो बूस्टर डोज वाले हैं उनको भी हम कॉन्टैक्ट करेंगे, और जो सेकंड डोज वैक्सीनेट नहीं हो चुके हैं, जो लगाए नहीं हैं फर्स्ट डोज के बाद में, उनको भी हम ट्रेस कर रहे हैं कि वो क्यों नहीं लगाए हैं, उनको मोटिवेट कर रहे हैं। और उनको संबंधित जो स्थल है, जो पास के स्थल हैं, केंद्र हैं वैक्सीनेशन सेंटर के, उन पे जाने के लिए हम लोग प्रेरित कर रहे हैं। इसके बाद भी यदि कोई वैक्सीनेट नहीं करवाता है, स्थल की जानकारी उनको मिलने के बाद भी, तो उनको हम फिर डोर टू डोर कैंपेन के माध्यम से उनको जागरूक करने का प्रयास करेंगे। उनको जो हमारे डोर टू डोर वैक्सीनेट होते हैं, जो हमारा कैंपेन चलता है, उसके माध्यम से वैक्सीनेट करेंगे। निगम भिलाई का 100% वैक्सीनेशन की ओर बढ़ाया जा रहा है, यह कदम काबिले तारीफ है और संभवतः निगम भिलाई अपने क्षेत्र को बहुत जल्द पूर्णतः वैक्सीनेट कराने में सफलता भी प्राप्त कर लेगा। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।